जैसा कि हमें पता है कि किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें मेमोरी की आवश्यकता पड़ती है। हालांकि हार्ड ड्राइव के बारे में सभी को पता है कि वो डेटा को स्टोर करने में काम आती है। ठीक उसी प्रकार रैम और रोम है, जो कि दो कंप्यूटर के इंटरनल मेमोरी है। हालांकि रैम और रोम में काफी अंतर है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि रैम और रोम में क्या क्या अंतर है। तो चलिए आज का इस कमाल का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वही रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम का इस्तेमाल टेम्पररी स्टोरेज के लिए किया जाता है, जबकि रोम का इस्तेमाल परमानेंट स्टोरेज के लिए किया जाता है। रैम में डेटा स्टोर होने के लिए ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वही रोम में डेटा स्टोर होने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। गाइज रैम की प्राइस की बात करें तो रैम काफी महंगी आती है, वही रैम की तुलना में रोम काफी सस्ती मिल जाती है। रैम के सभी डेटा को सीपीयू के जरिए एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन रोम के सभी डेटा को सीपीयू के जरिए एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो गाइज रैम और रोम के बारे में कुछ ये डिफरेंस थी जो आप लोग को पसंद आया होगा। तो गाइज वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।